हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। मैं आपको सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो सीरीज यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। सर्कुलर क्यू के इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस करना ना भूलिए। तो चलो हम देखते हैं सर्कुलर क्यू का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सर्कुलर क्यू क्यों पढ़ना है, क्यों हमें सर्कुलर क्यू का यूज करना है। तो जो सर्कुलर क्यू होता है उसके दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है जो कि मेमोरी वेस्ट लीनियर क्यू में जो होती है वो यह सर्कुलर क्यू अवॉइड करता है, और इसी वजह से सर्कुलर क्यू स्पेस वाइजली यूज करता है, यूटिलाइज करता है, जो कि डिलीट करने के बाद भी हम यूज कर सकते हैं। तो सर्कुलर क्यू का इंट्रोडक्शन मैं अभी देने वाली हूँ। तो सर्कुलर क्यू जो होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर माने वो जो कि एक लाइन में ग्रो होता है, सेम लाइन में हम इंसर्ट डिलीशन डिस्प्ले ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ पे लेवल नहीं होता है, जो कुछ होता है वो सेम लाइन में होता है। सर्कुलर क्यू जो है वो लीनियर क्यू की तरह ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ही वर्क होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होता है उसी एलिमेंट को सबसे पहले हम डिलीट कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि प्रिंसिपल हमारा सिंपल लीनियर क्यू का भी होता है। वही सेम प्रिंसिपल हम सर्कुलर क्यू में भी अप्लाई करते हैं। अभी सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जो लास्ट वाला पोजीशन होता है वो कनेक्टेड होता है फर्स्ट पोजीशन से, और इसी के माध्यम से ये एक सर्कल बनाता है, क्योंकि अगर दो एंड हम कनेक्ट करते हैं तो सर्कल बन जाता है। और हालांकि अगर हम लीनियर क्यू में से कोई एलिमेंट फ्रंट में से डिलीट भी करते हैं तब भी हम लीनियर क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ड्रॉबैक ऑफ लीनियर क्यू बोलते हैं, क्योंकि डिलीट करने के बाद भी उसकी स्पेस हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। यही मैंने विजुअली एक्सप्लेन किया है मेरे फर्स्ट वीडियो में, तो अगर आपको वो विजुअली देखना है तो आप पहले फर्स्ट वाला वीडियो ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियर क्यू देख सकते हो, फिर ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। तो ये जो ड्रॉबैक है मतलब कि डिलीट करने के बाद भी हम स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, यही हम सर्कुलर क्यू में अवॉइड करते हैं। क्योंकि सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जबकि दोनों एंड्स कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि फ्रंट एंड और रेयर एंड दोनों एंड कनेक्टेड होते हैं, इसी का मतलब डिलीट एलिमेंट करने के बाद हम वो स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। यही सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर क्यू के बारे में ज्यादा जानकारी लेना, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका लीनियर क्यू, जिसमें ये हो गया आपका फ्रंट एंड और ये हो गया आपका रेयर एंड, दैट इज बैक एंड, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों का, ये जो लीनियर क्यू हमारे पास अवेलेबल है उसके दोनों एंड्स हमें कनेक्ट कर देने हैं। तो ये दोनों एंड कनेक्ट करने के बाद हमारा सर्कुलर क्यू बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर क्यू। यही थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं आपको बताती हूँ, तो ये हो गया आपका सर्कुलर क्यू। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड और ये हो गया हमारा बैक एंड, ये दोनों एंड हमने कनेक्ट कर लिए। इसके लिए इसका जो शेप हो गया है वो सर्कुलर हो गया है, इसलिए इसको सर्कुलर क्यू बोलते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सर्कुलर क्यू, हमें क्यू पढ़ना है हमारे सिलेबस में, वो क्यू इंक्लूडेड है, इसके एडवांटेजेस क्या है, यही सारे चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ कमेंट पोस्ट करनी है तो आप यहाँ पे पोस्ट करते हो। अगर आपको कोई वीडियो में से कंटेंट अच्छे लगते हैं और वीडियो अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।
यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वाला वीडियो उसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ। उसके साथ साथ मैं पूरा सर्कुलर क्यू का सीरीज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।